बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मावा गुजिया की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाना भी इसे काफ़ी आसान है। त्योहारों का सीज़न आ रहा है, हर कोई गुजिया बनाते ही है, तो ये हमने काफ़ी इजी और सिंपल तरीके से बनाई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक कटोरी मैदा, उसमें डाला है 2 टेबल स्पून रवा, कोई भी रवा ले सकते बारीक मोटा, और 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें काफ़ी अच्छी तरह से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। हमने नॉर्मल पानी लिया है, गर्म ठंडा ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा कड़क ही डो हमको इसका रखना है। इसे हम 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब आटा अच्छे से भिगेगा हमारी गुजिया उतनी खस्ता बनेगी। तो चलिए हम उसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है खोपरा, मावा, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, रवा, किशमिश और शक्कर ली है। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन, उसमें हम डालेंगे घी। इसे हमने घी में बनाया, घी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाले हैं। इसे भी अच्छे से भून लेंगे, इसे लाल कलर आने तक भून लेंगे। देखिए इसे हमने भून कर निकाल दिया है। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा और घी ऐड करके उसमें एक कटोरी रवा डालेंगे। रवे को हमको अच्छा भूनना है, रवे का कलर लाल आना चाहिए, रवे का कच्चापन चल जाना चाहिए। देख सकते हैं आप, हम इसे एकदम स्लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। देख सकते हैं हमारा रवा लाल हो चुका है, इसे भी हम आप निकाल लेंगे। और फिर उस पैन में हम घी ऐड करेंगे और खोपरे को भून लेंगे। ये सब चीज़ों को हमने स्लो फ्लेम पे ही भूना है, अगर फ्लेम हाई रख देंगे तो ये सब जल जाएगा। इसी भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये स्टफिन काफ़ी मज़ेदार तैयार होती है। देखिए हमारा खोपरा भी हो चुका है, अब हम खवे को भी भून लेंगे। खवे में हमने घी नहीं ऐड किया है, बस खवे को भून लेंगे। इसका सारा कच्चापन जाने तक हम इसे भून लेंगे। खवे को भूनने से हमारी स्टफिंग ज़्यादा दिन तक टिकती है, ख़राब नहीं होंगी। देख सकते हैं अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। इन सबको ठंडा होने के बाद ही मिक्स करना है। देखिए ड्राई फ्रूट और रवा अब हमारे खोपरे के इसमें हम ऐड कर लेंगे स्टफिंग में। सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी होने चाहिए। ये स्टफिंग बहुत दिन तक अच्छी होती है, महीना भर भी ये ख़राब नहीं होती। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे फ्रिज में रख दो, महीना 2 महीना इसे कुछ भी नहीं होगा। जब आपका दिल चाहे आप गुजिया बना के खा सकते हो, या फिर किसी और चीज़ में भी ये स्टफिंग यूज़ कर सकते हो। देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। शक्कर हमें पाउडर शुगर नहीं लिए, नॉर्मल शक्कर लिए है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए। देख सकते हैं हमने थोड़ी पहले चक्के देखा था, पर इसमें एक कटोरी पूरी शक्कर बैठेंगी, तो हमने वो भी इसे ऐड कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम मावे को भी ऐड कर लेंगे। मावा भूनने से मावा बहुत दिन तक अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वरना एक मावे को अलग सी स्मेल आने लग जाती है। देख सकते हैं इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो गई है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं भुजिया की। इसके लिए हमने लिया है 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसकी हम स्लरी बना लेंगे और इसमें एक ऑयल डाल देंगे। 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है, देख सकते हैं इस तरह से बना लेंगे। हमारा आटा भी काफ़ी अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा तेल का हाथ लेके इसे और अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने आटे को थोड़ा कड़क रखा था, अब इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसके 3 छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इससे हम पतली पतली 3 रोटी बेलेंगे। ये मेथड से हमारे गुजिया 100% खस्ता ही बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। और आप इसे कितने भी दिन रखो, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, खस्ता बन के तैयार होते हैं। रोटी हमें इसकी पतली बेलनी है, मोटी नहीं रखनी है। देख सकते हैं एकदम पतली सी रोटी इसकी तैयार करके लेनी है। एक रोटी हमारी रेडी होगी, अब इसे हम साइड में रखते हैं। इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बन के तैयार हो गई है, इसे भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। और हमारी थर्ड रोटी भी बन गई है, अब इसके ऊपर हमने जो स्लरी बनाई थी वो लगा के ले लेंगे। देख सकते हैं फिर उसी रोटी रखेंगे, इसके ऊपर मैदा डस्ट नहीं किया है हमने। फिर से हम ये घोल लगा लेंगे इस पर और तीसरी रोटी भी रख देंगे। इससे हमारी भुजिया बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। देख सकते हैं इस तरह से हमें फोल्ड करना है।
आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट ही बनेंगी और बहुत ही टेस्टी सी बनेंगी। देख सकते हैं हमने बना लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। देख सकते हैं हमारी कितनी सारी गुजिया इसमें बन के तैयार हो जाएंगी। आप लेयर्स देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से आए हैं। अब इसे इस तरह से हमको बीच में से प्रेस करना है और एक पतली सी रोटी बनानी है। इसकी रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, हमको मीडियम साइज़ की रखनी है। देख सकते हैं अगर आप बहुत पतली करेंगे तो हमारी गुजिया फटने के चांसेस हैं। इसे इस तरह से प्रेस करिए। देख सकते हैं हमें इसे सेंटर से प्रेस करना है। अब इसे बेल लेंगे। अगर आपको बड़े साइज़ की गुजिया बनानी है तो आप पेड़े थोड़े बड़े कट करना। देख सकते हैं इस साइज़ के हमने बना के ले ली है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। देख सकते हैं 2 चम्मच स्टफिंग इनफ है। अब इसे हम साइड से पानी लगा लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। काफ़ी सिंपल मेथड में हमने आपको ये बनाना बताया है और एकदम परफेक्ट मेथड है। इसे आपकी गुजिया कभी फेल नहीं होंगी। देख सकते इस तरह से कट कर लिया है हमने। हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई है। अब हमने तेल को अच्छा गरम कर लिया था। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। स्टार्टिंग हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे बिल्कुल ही हल्के हाथों से पलटना है। गुजिया हमारे तेल में फूटनी नहीं चाहिए। अगर फूट गई तो पूरा उसका अंदर ऑयल चले जाता है, इसलिए इसे हल्के हाथों से ही पलटें। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार गुजिया ये हमारी बनी थी और उसकी स्टफिंग भी बहुत टेस्टी थी। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी नज़र आ रही है। इसी तरह से हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में महीना भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब या नरम नहीं होंगी। इसे हमने खीर के साथ सर्व किया था। खीर की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।